हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान सेफी। आज हम सभी किसान भाइयों को सिखाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कैसे करते हैं। तो आज हम गन्ने की बात करेंगे। जो अक्टूबर का माह चल रहा है, अक्टूबर के माह में जैसे ठंड आने वाली है, तो सभी किसान भाई इस मौसम के अंदर, अक्टूबर माह के अंदर गन्ने की फसल बोते हैं। जो एक वैरायटी होती है गन्ने की, जो 38 होती है, 38 का गन्ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही लंबा, और इसकी पैदावार भी बड़ी अच्छी होती है। तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं बोना। तो दोस्तों, हम पूरी विधि बता रहे हैं इस वीडियो के में। आप देख रहे भी होंगे कि ट्रैक्टर द्वारा खेत को जोतने के बाद इसके अंदर रो तैयार की जा रही है, और रो तैयार कर और रो तैयार करने के बाद कुछ लोग होते हैं जो एक जो गन्ना होता है उसको काटते हैं, और काटने के बाद इसमें दो तरीके से हम गन्ने को बोते हैं। तो एक तो तरीका होता है कि गन्ने की आँख जो होती है, जहाँ से अंकुरण होता है, वो उस साइड को वहाँ से कलम बनाते हैं, कलम बना के उसको बोते हैं। और इस पंक्ति की जो दूरी होती है, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की जो दूरी होती है, वो आपकी 28 इंच की होती है। तो अब दोस्तों, ये जो हम तरीका अपना रहे हैं इस खेती के अंदर, पूरा पूरा गन्ना हम रो में डाल रहे हैं, उसके बाद इसको काटेंगे। तो किसान भाइयों, इस तरह से हमें अपनी खेती करनी चाहिए। और खाद वगैरह, ऑर्गेनिक खाद जो होता है, जो गोबर की खाद होती है, वो हमें गन्ने से पहले, बोने से पहले हमें वो इसमें डालनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो वीडियो के अंदर, गन्ना है जो वो पूरा पूरे गन्ने ऐसी पड़े हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि दोस्तों, जब भी आप अपनी खेत के अंदर ईक बोते हो, तो सबसे पहले जो बढ़िया गन्ना होता है वही गन्ना बोना चाहिए, और अच्छी वैरायटी का गन्ना होना चाहिए। और इस तरीके से गन्ने बोते हुए और एक पैर पीछे रखना चाहिए गन्ने के, और उसको बिल्कुल मिला के रखना चाहिए। अगर हम गन्ने को आपस में नहीं मिलाएंगे तो दोस्तों, तो हमारी जो इसकी अंकुरण होगा वो आगे पीछे होगी, और सही तरीके से हमारी ईक सही तरीके से नहीं होएगी। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर आपको सिखा रहे हैं गन्ने की फसल किस तरह से करते हैं। गन्ने को पार्टों में काटते हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हो वीडियो के अंदर, ये भाई गन्ने को काट रहा है, और गन्ने को इस तरह से काटते हैं, जो उसकी पोरी होती है, जो उसका एक भाग होता है, उसको इस तरह से काटते हैं जिससे कलम बन जाए, और जो उसकी आँख होती है वो भी बच जाए। तो इस तरह के से देखो कटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद जो है डाई बिखेरना चालू कर दिया है। तो डाई से ये होता है कि जो हमारी खेती होती है, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से, और उसका अंकुरण, जो गन्ने का अंकुरण जो ज़मीन में होता है, उसका अंकुरण भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है।